नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आज की नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज की वीडियो स्पेशल उन लोगों के लिए है जो अपने लिए या अपने बच्चों के लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, लेकिन उनको कोई भी अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि आप घर बैठे ऑनलाइन हजारों रिश्ते किस तरीके से ढूंढ सकते हैं। वैसे दोस्तों, इंडिया में बहुत सारे प्लेटफॉर्म अवेलेबल हैं, जैसे जीवन साथी है और शादी.com है, जहाँ पे आप जो है रिश्ते देख सकते हैं। लेकिन दोस्तों, शादी.com एक ट्रस्टेड एप्लीकेशन है, जहाँ पे आपको हर कैटेगरी से रिलेटेड आपको रिश्ते मिल जाएंगे। अगर आपको कोई भी रिश्ता पसंद आता है तो उसे आप इनविटेशन भेज के आगे बात बढ़ा सकते हैं। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमको क्या करना है, प्ले स्टोर पर शादी.com जो है एप्लीकेशन हमको डाउनलोड कर लेना है। जैसे आप डाउनलोड कर लेते हो, उसके आप जो है साइनअप कर सकते हैं, अपनी जीमेल अकाउंट के साथ कर सकते हैं, गूगल अकाउंट के साथ कर सकते हैं, किसी के साथ भी आप यहाँ पर जो है अकाउंट अपना बना सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पर जो अपना अकाउंट बना लेते हैं। यहाँ पर आप जो है किसके लिए आपको प्रोफाइल बनाना है, जैसे प्रोफाइल फॉर या अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, जिसके लिए भी आप जो है प्रोफाइल बनाना है, लड़की के लिए, सिस्टर के लिए, जिसके भी आप प्रोफाइल बनाना चाहे वो अपना यहाँ पर आप सेलेक्ट करेंगे, अपना नाम डालेंगे, फर्स्ट नेम डालेंगे और सेकंड नेम डालेंगे। सेकंड नेम के डालने के बाद अपना जो है जेंडर सेलेक्ट करेंगे, और जेंडर सेलेक्ट करने के बाद अपना जो है रिलीजन सेलेक्ट करेंगे, जहाँ से आप हिंदू मुस्लिम जो भी हैं आप वो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप अपनी जो है कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे, कम्युनिटी में आपकी जो है कैटेगरी जो सबसे आपकी जाति क्या है वो आप जाति वगैरह आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। वो सेलेक्ट करने के बाद आप कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद अपने यहाँ पर जो है ईमेल आईडी डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और आप कहाँ रहते हैं वो आप इन्फॉर्मेशन डालेंगे। और उसके बाद क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करेंगे। जैसे आप क्रिएट अकाउंट पर क्लिक करते हैं, इसके बाद कुछ जो वो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको जो पूछी जाएंगी कि आप कहाँ के रहने वाले हैं, जैसे अभी हम जैसे कहाँ के, वो अपनी जो इन्फॉर्मेशन वो आप डालेंगे, सिटी डालेंगे, आपको मैरिटल स्टेटस क्या है, डाइवोर्स है या मैरिड हैं, विडो हैं, वो आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। आप वेज हैं, नॉन वेज हैं, वो कैटेगरी आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। और जैसे हम यहाँ पर वेज है, कुछ भी आप जो भी हमें वो आप सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद अपनी जो आपकी हाइट क्या है वो हाइट आप यहाँ पर अपनी सेलेक्ट करेंगे। और हाइट सेलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप आपका जो रहता है उसमें रहता है आपका जो है सब कोऑर्डिनेट, मतलब इसमें आपकी जो है कैटेगरी आपकी कास्ट क्या है वो अपने यहाँ पर जो है कास्ट सेलेक्ट करेंगे। जैसे आपके यहाँ पर जो है कोई भी आप ब्राह्मण हैं, पंडित हैं और जो कुछ भी यहाँ पर वो अपने आप यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और इसको हम जो है कंटिन्यू कर देंगे। तो जैसे आप जो कहाँ पर कंटिन्यू करते हैं, कंटिन्यू करने के बाद आपको यहाँ पर पूछ रहा है कि आपकी जो क्वालिफिकेशन क्या है। तो आप यहाँ पर जो है कुछ क्वालिफिकेशन आपको जो है एजुकेशन जो डिटेल्स हैं वो आप यहाँ पर फिल करेंगे, जैसे किस कंपनी जॉब करते हैं, आप क्या किया पढ़ाई में, क्या किया हुआ है आपने, जिस कंपनी आप जॉब करते हैं प्राइवेट करते हैं या गवर्नमेंट करते हैं, और आपकी जो है जो कैटेगरी है उसमें किस कैटेगरी से आप रिलेटेड हैं, आप जो है जो कंपनी में आप जॉब करते हैं, और मंथली आपकी जो सालाना की इनकम क्या है वो अपनी यहाँ पे इनकम आप डेले सेलेक्ट करेंगे कि जैसे कितनी है आपके 4 से 7 लाख के बीच में, जो भी आपकी जो इनकम है वो आप सेलेक्ट करेंगे। और उसके बाद आप यहाँ पे जो है कंटिन्यू करेंगे। जैसे आप कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पे अबाउट योर सेल्फ का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे आपको 4000 वर्ड में अपने बारे में आप लिख सकते हैं, जो भी आपके बारे में लिखना चाहें वहाँ पर लिखेंगे। और आपको नीचे जो है क्रिएट प्रोफाइल पर आप जो है क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्रिएट प्रोफाइल पर क्लिक करते हैं तो आपकी यहाँ पर जो है प्रोफाइल बन के क्रिएट हो जाती है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो हमारी प्रोफाइल बन गई है। अब यहाँ पर अपना जो भी कोई भी आपको फोटो ऐड करना है, आप यहाँ पर अपना जो है ऐड मीडिया पर आपको क्लिक करके अपना जो है कोई भी अपना एक यहाँ से फ़ोटो आप जो है सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलो, सेलेक्ट करने के बाद अपनी फैमिली की प्रोफाइल के बारे में आपको लिखना है। उसके बाद आप यहाँ पर जो अपना नंबर वेरीफाई करेंगे, नंबर वेरीफाई करने के लिए एक OTP आएगा, ऑटोमेटिक आपका जो है वेरीफाई हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर जो है सक्सेसफुली वेरीफाई हो चुका है। जैसे आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई हो जाता है, इसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि बेसिक जो डिटेल्स अभी आपने जो फिल की हुई हैं वो इन्फॉर्मेशन आपकी यहाँ पर दिखा देगा, जो बेसिक डिटेल्स हैं, कम्युनिटी डिटेल्स हैं और लोकेशन क्या है, एजुकेशन एंड कैरियर डिटेल्स हैं आपकी और अदर्स इन्फॉर्मेशन है, ये सभी डिटेल्स दिखा देगा और कन्फर्म और कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद आपको जो है यहाँ पर जो कुछ दिखाएंगे जो मैचेस जो होते हैं यहाँ पर जो दिखा रहा है, देखो बाई डिफॉल्ट दिखा रहा है, आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं और सेंड कर सकते हैं। इनके पास जो है रिक्वेस्ट यहाँ से सेंड हो चुकी है, कनेक्ट हो चुकी है। अब यहाँ पर देख सकते हैं इसके जो प्लान है दोस्तों, जो अगर आप अपग्रेड वगैरह करना है, कुछ भी करना है, तो एक यहाँ पर देख सकते हो 2990 रुपये का एक महीने का प्लान है।
जिसमें आप जो है अनलिमिटेड मैसेज भेज सकते हैं और 15 कॉन्टैक्ट नंबर आप जो है देख सकते हैं। ये आपका सिल्वर प्लान है। इसके बाद आपका जो है गोल्ड प्लान है जो कि 4490 रुपये का है। इसमें आप वीडियो कॉल कर सकते हैं दो। और अगला स्टेप है दोस्तों जो गोल्ड प्लस है जो कि आपका 3 महीने का प्लान है 6190 का है। इसमें आपको एक्स्ट्रा मिल जाता है और ये जो डायमंड है डायमंड के बाद डायमंड प्लस है और डायमंड प्लस के बाद आप यहाँ पर देखो सब कुछ इन्फॉर्मेशन आपको जो शो कर सका। इसके बाद आप इसको जो है स्किप कर देंगे दोस्तों। स्किप करने के बाद आपको जो यहाँ पर देख सकते हो अब हमें जो है सबसे पहले होम पेज पर आना है। जैसे आप होम पेज पर आओगे तो आपकी यहाँ पे प्रोफाइल आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आपको देखो गेट टू टाइम्स मोर वेन टाइम्स जाओ तो यहाँ पे आपको जो प्रोफाइल आपने जो वेरीफाई करेंगे प्रोफाइल वेरीफाई करने के लिए पैन कार्ड पासपोर्ट ड्राइविंग लाइसेंस वोटर आईडी किसी के भी जरिए आप अपनी यहाँ पर जो है प्रोफाइल वेरीफाई कर सकते हैं। आप जो है बैच मार्क आ जाएगा टिक मार्क आएगा जाएगा आपकी प्रोफाइल वेरीफाई होने के बाद। यहाँ के बाद आपको मैचेस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जितने भी मैचेस होंगे वो आपको यहाँ पर दिखा देगा। उसके बाद आप मैसेज पर रिस्पॉन्स करेंगे मेल से तो यहाँ पर आपको जो मैचेस होंगे वो अभी आपको यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद अगर आप चैट है अगर आप यहाँ पर किसी का चैट करते हैं तो चैट आपको शो कर देगा। इसके बाद प्रीमियम पर क्लिक करते हैं तो प्रीमियम पर आपको जो है प्लान्स वगैरह हैं वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। ऊपर आप देखोगे यहाँ पर दोस्तों न्यू है तो यहाँ पर जितने भी न्यूज़ होंगे वो आपको दिखा देगा और टुडे जो मैचेस होंगे ये आपको मैचेस दिखा देगा। यहाँ पर माई मैचेस जैसे आपने भेजे हुए हैं वो मैचेस आपको यहाँ पर शो कर देगा। इसके बाद आपको नियर मी जो आपको नियर लोकेशन पर होंगे वो आपको यहाँ पर शो कर देगा। मोर मैचेस अगर आप किसी और मैचेस भेजना चाहते हैं वो आपको यहाँ पर शो करेगा। आपको सॉर्टेड कर सकते हैं और आपको रिसेंटली किसने व्यू किया है वो आप यहाँ पर जो है कर सकते हैं दोस्तों। इसके बाद आप ऊपर देख सकते हो यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है आपको जैसे किसी फोटो पर वगैरह पर आप क्लिक करते हैं तो आप उसकी जो है पूरी प्रोफाइल आप वहाँ पर देख सकते हैं उसके बारे में पूरा पढ़ सकते हैं क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है क्या करियर क्वालिफिकेशन है क्या कास्ट है सब कुछ आप वहाँ पर जो है पढ़ सकते हैं। और इसको कनेक्ट करने के लिए आप कनेक्ट नाउ पर क्लिक कर देंगे उसके बाद मैच रिक्वेस्ट चली जाएगी और आप उसके बाद को आगे बढ़ा सकते हैं। तो इस तरीके से आप जो है अपने यहाँ पर जो है मैचेस जो है सेंड कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों मैं आपको बता दूं अकाउंट पे अगर आपको जो है अकाउंट पे जब यहाँ पे क्लिक करते हो और आपको जो है अपना कोई जैसे जो अपने जो अकाउंट आपको डिलीट करना है तो आप यहाँ पर जो है अपना अकाउंट भी आप डिलीट कर सकते हैं। अकाउंट डिलीट दोस्तों करने के लिए नीचे आपको यहाँ पे ऑप्शन दिख रहा होगा हाइड का हाइड प्रोफाइल तो यहाँ पे देखो एक हाइड प्रोफाइल कर सकते हैं। यहाँ पे आपकी जो प्रोफाइल हाइड हो जाएगी कितने टाइम के लिए आप जो अपनी प्रोफाइल हाइड करना चाहते हैं इसका डिलीट का ऑप्शन है। डिलीट पर आप करोगे तो आपकी प्रोफाइल परमानेंटली डिलीट हो जाएगी और यहाँ से आपको कोई एक रीज़न देना होगा कि आप अपनी जो है प्रोफाइल आप क्यों डिलीट करना चाहते हैं तो रीज़न नॉट अवेलेबल है यहाँ पे आप लिखना हो जो कुछ भी आप लिख सकते हैं। और डिलीट माय प्रोफाइल पर क्लिक करेंगे तो आपकी जो है प्रोफाइल आपकी जो है डिलीट हो जाएगी। sadhi.com से पूरी तरह आपकी प्रोफाइल डिलीट हो चुकी है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को जैसा लाइक करिएगा शेयर करिएगा और इसके रिगार्डिंग कोई भी कन्फ्यूजन रहता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा।